इंतजार के बाद भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के खिलाफ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ये वही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं जिन पर दिग्विजय सिंह ने भगवा आतंकवाद का आरोप लगाया था। वहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का कहना है, भगवा आतंकवाद को व्यक्तिगत तौर पर मैं नहीं लेती। इनके भगवा आतंकवाद कहने से हिंदू आतंकवादी नहीं हो जाता। इनके कुकर्मों का प्रत्यक्ष प्रमाण हूं मैं। मुझे NIA ने क्लीन चिट दी है। सन्यासी भगवा पहनते हैं और राष्ट्र ध्वज में जो त्याग का प्रतीक माना जाता है वो इनके कहने से खत्म नहीं हो गया। अगर हिंदू आतंकवादी हो गया तो विश्व में बचेगा क्या? शांति लेकर कौन आएगा? ऐसी कुसंस्कृति फैलाकर किस तरह समाज को मुंह दिखा रहे हैं? समाज इन्हें जवाब देगा। जो लोग सेना पर सवाल खड़ा करते हैं उनके हाथों देश सुरक्षित नहीं है। जो ऐसा करते हैं वो देशद्रोह करते हैं। देश की सीमा और धर्म सुरक्षित है तभी हम राष्ट्र धर्म के कर्तव्य का पालन कर सकेंगे। क्या है ये परिभाषाएं कांग्रेसी बहुत भिन्न प्रकार से देते हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने भगवा आतंक कह दिया, इसका मतलब सन्यासी खत्म हो गए। राष्ट्रीय ध्वज में जो त्याग का प्रतीक माना गया भगवा, वो खत्म हो गया। देश से त्याग खत्म हो गया, ये सब खत्म हो गया, ये वो मानते हैं। इसलिए उन्होंने बहुत सोच विचार करके भगवा को आतंकवाद सिद्ध करना चाहा, इसलिए कि ये सब खत्म हो जाएगा। तो आज वो निष्कंटक अपनी बात कह सकते थे और राज्य कर सकते थे। इसी प्रकार से उन्होंने हिंदुत्व को कहा कि हिंदुत्व आतंकवादी होता है, हिंदू आतंकवाद होता है। तो हिंदू आतंकवाद अगर हो गया तो विश्व में बचेगा क्या? शांति लेकर के कौन आएगा? जबकि भारतीय संस्कृति इतनी विस्तृत है, सनातन संस्कृति इतनी विस्तृत है कि उसमें सब कुछ समा जाता है। तो इतनी संवेदनशील, इतनी सुसंस्कृत जो संस्कृति है उसके ऊपर कुठारा घात करके आज ये समाज को अपना किस प्रकार से मुंह दिखा रहा है, ये मुझे विचार नहीं है। ये समाज इसको जवाब देगा। ऐसे ही ये जो विकास का मुद्दा है, मैं कहती हूँ कि अगर आपका देश सुरक्षित है, सेना निश्चित रूप से देश की रक्षा कर, सैनिक देश की रक्षा कर पा रहे हैं, सभी अपना अपना जीवन सुव्यवस्थित जी पा रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमारा देश सुरक्षित है। जब ये सब नहीं होता है तो हमें मानना पड़ता है कि हमारी सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए जाते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि हमारा देश सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ऐसे देशघातियों के बयानों से जब हमारे देश के दुश्मन देशों के को बल मिलता है तो ये राष्ट्रघात होता है, ये राष्ट्रद्रोह होता है, और इस राष्ट्रद्रोह को करने वाले राष्ट्रद्रोही होते हैं। मैं व्यक्तिगत नहीं मानती इसको, मेरा जीवन ही व्यक्तिगत नहीं है। इदम राष्ट्राय इदन्नमम, ये मेरा जीवन है। मैंने मेरे ऊपर इन्होंने क्या आरोप लगाए कि मैं एक आतंकवादी हूँ, भगवा आतंकवादी हूँ। क्या ये व्यक्तिगत प्रश्न है? नहीं, हिंदू आतंकवादी व्यक्तिगत बात ही नहीं है। प्रताड़नाएं निश्चित रूप से एक शरीर को सहन करनी पड़ी, निश्चित रूप से एक नहीं, ऐसे देशभक्त कई लोगों को प्रताड़नाएं सहन करनी पड़ी। वो व्यक्तिगत कष्ट राष्ट्रभक्त सहन कर लेते हैं, पर वो महसूस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनका जो लक्ष्य है वो बड़ा होता है, देश हितार्थ होता है। और इस प्रकार से जो कार्य करते हैं, इस प्रकार के जो बयान देते हैं, ये देशद्रोह में आता है। और हम लोग इसको, इनकी प्रताड़नाओं को, इनके कथनों को, इनके बयानों को, इनके कर्मों को, सबको हम हंस करके झेल जाते हैं। स्वयं कष्ट पी करके, उस विष को पी करके हम समाज को अमृत देते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम तभी विकास कर सकते हैं जब हमारा देश स्वतंत्र हो, जब हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हो, देश सुरक्षित हो, और उसके बाद धर्म सुरक्षित हो, तब हम अपने राष्ट्र धर्म के कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। प्रज्ञा ने अपनी आपबीती बताते हुए कांग्रेस पर सवाल खड़ा किया। कहा, कांग्रेस ने महिला शरीर को प्रताड़ना दी, पुरुषों से पिटवाया, यहाँ तक कि मरवाने का प्रयास किया, मगर मैं बच गई, ईश्वर का वरदान है। यह सब कानून का दुरुपयोग कर मेरे साथ किया, संविधान का मजाक बनाया, इनके कुकर्मों का प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ मैं। जो प्रताड़ना है व्यक्तिगत मेरे शरीर ने सहन की है, और जिन्होंने इन्होंने पूरे कांग्रेस के जो UPA के जो षड्यंत्र थे उनके द्वारा ये जो स्थापित किया गया, इन्होंने कभी ये विचार भी नहीं किया था एक महिला शरीर है और इसको इतनी प्रताड़नाएं देना। उन्होंने तो खैर मारने का प्रयास किया, पर वो नहीं मरे हम, ये ईश्वर का वरदान है। परंतु ये तो उससे बौखला गए हैं। हम ये चाहते हैं कि फिजिकल और मेंटली और सब प्रकार से उन्होंने टॉर्चर किया है, सब प्रकार से प्रताड़नाएं यातनाएं दी हैं, भयावह यातनाएं दी हैं, किंतु अब हम चाहें, और इन्होंने कानून का दुरुपयोग किया, संविधान का मजाक बनाया है, इसलिए गैर कानूनी कार्य करते हुए पुरुष मुझे गैर कानूनी इन्होंने मुझे रखा और पुरुषों ने पीटा,
ये क्या कानून का विरोध नहीं है? मुझे 13 दिनों तक गैर कानूनी तरीके से इन्होंने रखा, क्या ये विरोध नहीं है? उसके कानून का विरोध नहीं किया इन्होंने, कानून के गैर कानूनी गतिविधि की है। इस प्रकार से दंड के पात्र ये हैं, फिर भी ये राजनीति कर पा रहे हैं, समाज के सामने जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें समाज को अभी जागृत करने का अवसर नहीं मिला है। अब ये जागृत करने का अवसर आया है तो इनको तकलीफ हो रही, क्योंकि इनके कुकर्मों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रज्ञा ने कहा, मुझे कैंसर है, मेरी रीढ़ की हड्डी डैमेज कर दी गई, मेरी जमानत नहीं होने दी जा रही थी, इन्हीं की बनाई संस्था NIA ने मुझे क्लीन चिट दी है, मैं निर्दोष हूँ। साध्वी ने कहा, जब समाज जाग जाएगा तो फिर मैं समाप्त हो जाऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस कैंसर के होने के बावजूद भी मेरी पूरी रीढ़ की हड्डी इन्होंने डैमेज की है, आज मैं सिर्फ अपने आत्मबल के और साइंस के थोड़े प्रयोग के कारण मैं रुकी हूँ, मतलब थोड़ा सा जो चल पा रही हूँ, मैं कितना कष्ट अकेले में सहन करती हूँ पर समाज के सामने नहीं लाती हूँ, ये इनके कारण होता है। और ये सब किसके कारण है? कांग्रेस के कारण। ये समाज का जागरण है।